नमस्कार। समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। लुधियाना के नवनिर्वाचित सांसद रवनीत सिंह बिट्टू हुए सचखंड श्री हरमंदिर साहब में नतमस्तक। नानकशाही कैलेंडर से बंदी विवाद का समाधान करने एसजीपीसी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ हुए पाकिस्तान के लिए रवाना। सचखंड श्री हरमंदिर साहब नतमस्तक हुए भगवंत मान। एक्साइज विभाग ने बरामद किया आधा किलोग्राम सोना। अब खबरें विस्तार से। लुधियाना के नवनिर्वाचित सांसद रवनीत सिंह बिट्टू कल सचखंड श्री हरमंदिर साहब में नतमस्तक हुए। इस मौके पर उनके साथ उनके पारिवारिक सदस्य और नजदीकी दोस्त भी मौजूद थे। इस मौके पर रवनीत सिंह बिट्टू ने स्वीकार किया है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार पंजाब में कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया है कि पंजाब की जनता अकाली भाजपा सरकार से काफी त्रस्त है और 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की अकाली भाजपा को भारी बहुमतों से हरा कर कांग्रेस पार्टी को सत्तासीन करेगी। आज जी कल जित हुई है लुधियाने तो उदी सारे असी खास तौर पर सारे रिश्तेदार दोस्त मित्र परिवार असी अज गुरु का धन्यवाद करना आए हैं तो आने वाले दिनों अगे आशीर्वाद लैन आए हैं भी जे जिहड़ी गुरु महाराज ने जित बख्शी आ वह ड्यूटी नू इमानदारी नाल सच्चाई नाल जिम्मेदारी नाल निभा सकीए तो गुरु महाराज का आशीर्वाद लैना है भी जो लोगों दी आसा है साढ़े ते असी वो लोगों दी आसा ते खरे उतर सकी पूरे उतर सकी इस कोई भी शक नहीं जिमें कि विधानसभा दी चोणां दे विच सानू पंजाब पीपल पार्टी का नुकसान होया सी उस तरीके नाल जो इस बार लोग अकाली दल बीजेपी सरकार तो गुस्से सी नाराज सी बहुत बड़ी वो जड़ी लो वोट आ वो कांग्रेस पार्टी नू पैनी सी पर लेकिन आम आदमी जिन्हों सारे हिंदुस्तान च नकारिया उस आम आदमी नू पंजाब दे लोकां ने वोटां पाईयां जिहड़ियां 9 तो 11 सीटां दी असीं आस रखदे सी वो सीटां घटियां साडियां ते ये 100% मैं इस गल नाल थोड़ी नाल सहमत हाँ भी वो वोटां जिहड़ियां सानू पैणियां सी लोकां ने आम आदमी ते ज़्यादा यकीन किया तो वह गुस्से वाली वोटां उस पासे चलिया गई। बहुत पार्टियां हमेशा इलैक्शन वेले आउंदियां रहिंदियां मैनू ये विश्वास आ जिस तरीके नाल दिल्ली दे विच भी ये बहुत बड़ा हुंगारा मिलिया सी हरियाणे दे विच भी पहला हुंगारा मिलिया सी पर उत्थे भी वो लोकां दीआं भावनावां ते लोकां दे विश्वास ते खरे नहीं उतर सके उहनां दे लई इह सियासत मैं समझदा इक इक दिखलावा इंटरटेनमेंट आ ते वो किसी भी तरीके ना प्रचार करके लोगों नूं गमराह करके शॉर्ट टाइम लई थोड़े टाइम लई वो जरूर अपने वल आकर्षित करते आ पर जो अज तक का तजर्बा जो लंबा समा जदों आया वो दिल्ली की गल करिए हरियाणे की गल करिए उत्थे फेल होए ने लोगों ने नकारे उन्होंने ते मैनू भी ये आस आ भी आने वाले दिनों दे विच पंजाब दे लोग भी बाकी सूबे वांगू आम आदमी पार्टी का जिहड़ा एक हउआ बनया एक भरम भुलेखा बनया वो लोगों के सामने आओ। देखो इस गल दे मैं समझदा पंजाब दे लोग तो आदि हो चुके हैं क्योंकि पंजाब दे विच जुल्म पंजाब दे विच धक्का ये बादल परिवार का मैं समझदा एक ट्रेंड बन चुके एक मोहर लग चुकी है उन्होंने तो लोगों ने बहुत बुरी तरह अमृतसर दे विच भी उन्होंने नकारिया। मैं ये जरूर कहूँगा भी जो अकाली दल दियां जिहड़ियां एक दो सीटां वधियां है वह सिर्फ उहदा एक मोदी कारण है कि लोग मोदी नूं प्रधानमंत्री मोदी जी नूं बनाउणा चाहुंदे सी जिहदे करके वोटां पाईयां नहीं अकाली दल बीजेपी नूं किते कोई अकाली दल नूं कोई वोट नहीं पई किते भी तो इस करके आने वाले दिनों दे विच होर लोग लामबंद होणगे तो असी भी लामबंद करांगे भी यह जिहड़ा गुंडा राज आ उहदी सज़ा तुहानूं पता हर इहनां दे लीडर नूं मिली आ ते तुसीं समझदे हो भी बठिंडे दे विच एक महज 19,000 एक मुख्यमंत्री होवे डिप्टी मुख्यमंत्री होवे राज होवे ते पहलां तां हारदे ही रहे आ 19,000 वोटां नाल कुल जिहड़ी उह हरसिमरत दी जित होई है। इस गल तो जरूर अमृतसर दे विच जिथे मजीठिया दा राज तुसीं कहिंदे हो 1,20,000 तो हारना इहनूं की कहोगे इस करके जरूर लोकां ने
इस चीज़ों के उल्ट फतवा दिता है। तो तुम देखोगे 2017 तो पहला पहला ही जिहड़ा ये लोग ऐसा एक रोह एक ऐसा एजीटेशन पंजाब दे विच खड़ा हो जाऊगा कि सरकार नूं चलना औखा होगा। पुराने और नए नानकशाही कैलेंडर पर छिड़ा हुआ विवाद जहां समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं अब जे एसजीपीसी के लिए भी सिरदर्द बनता जा रहा है। पाकिस्तान सिख कमेटी की ओर से पुराने नानकशाही कैलेंडर के तहत ही गुरु साहिबानों के गुरपुरब मनाने के फैसले के बाद अब एसजीपीसी की ओर से इस संबंधी समाधान निकालने की पहल की जा रही है। पाकिस्तान पंजाब सरकार की ओर से बुलावा आने के बाद आज एसजीपीसी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ 10 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। तो पंजाब पाकिस्तान दे पंजाब सरकार वालों जो ऑफिशियल सदा आया उसके आधार पर अब साडा एक डेलीगेशन जरा वो पाकिस्तान जा रहा है और उत्थे जाके असी जिहड़े साडे कुछ मसले ने आपसी पाकिस्तान दे गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी भावें कि टर्म एक्सपायर हुई है लेकिन फिर भी जो उत्थों के सबक प्रधान ने या मैंबर साहबान ने उन्होंने गलबात करनी है, औकाफ बोर्ड ना गल करनी, सरकार ना गल करनी, चीफ मिनिस्टर नू मिलना उहदे नाल गल करनी, क्योंकि कई मसले ने मेन मसला नानकशाही कैलेंडर भी है लेकिन इस तो पहला तो गुरद्वारा साहबाना की जी सेवा संभाल है वह बड़ा प्रमुख मसला है। गुरद्वारा साहब दी जमीन जायदादा खुरदबर करने तो रोकने लिए कहना, गुरद्वारा साहब की जिन्हों की हालत खस्ता है उन्होंने कार सेवा बारे गल करनी, करतारपुर के लांघे बारे गल करनी, तो फिर उस जो नानकशाही कैलेंडर का मसला है वह भी आता है। रागी सिंह के आदान प्रदान की गल असी करनी चाहते हैं, इन्होंने जरा मल्टीपल वीज़ा मिलना चाहिए क्योंकि उत्थे जरा ना उत्थे गुरु साहब की सेवा संभाल ली जे उन्होंने को ग्रंथी प्रचारक रागी ने मैं समझदा भी वो उस मुस्तैदगी नाल नहीं कर सकते हो गए जिन्ना पंजाब हुंदा है क्योंकि उन्होंने उन्नी ट्रेनिंग नहीं हैगी। असं चाहते हैं कि साढ़े को इस तरह का मल्टीपल वीज़ा हो दो दो तीन तीन महीने लिए असी वक्ो वक्रे ग्रंथी साहबान रागी साहबान प्रचारक साहबान पाकिस्तान भेज सकी ताकि वो उत्थे जाके गुरद्वारा साहबान की सेवा संभाल कर भी और उन्होंने करनी भी सिखा। देखो जी गया होना जी मैंने तो पता नहीं गया कि गया कौन गया लेकिन यह भी जरा वफद होंदा ना यह जे मेन मसले होंगे उन्होंने वास्ते जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वफद ही जरा उत्थे जाना बनना है। कोई मंजूरी मेरे ना कहीं मंजूरी नहीं जी, मैनू असं पूछे भी कौन कौन जा रहा कहते सू पता नहीं कौन कौन जा रहा। मंजूरी तो ता होंगी है बी वो मसला देखो अकाल तख्त साहब तो कोई भी जारी होया आदेश संदेश कोई भी हुक्मनामा उन्होंने लागू कराने की बेसिकली जिम्मेवारी जी होंगी है वह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की होंगी है, ना कि किसी होर लोकल गुरद्वारा लुधियाने के कोई सिंह सभावान च नहीं जाएंगे जी असं चलते हैं जी करा इदा नहीं गल होंगी। ये लोकल कमेटियां ने उन्होंने लोकल कमेटियां के मुताबिक उत्थे अपनी सेवा संभाल करनी चाहिए है। जिहड़े कौमी मसले ने उन्होंने जदों की श्रोमणी कमेटी 1920 तो होंद च आई है सिख मसलों नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ही उन्हां दा निपटारा करती आई है, उन्हां लई संघर्ष करती आई है, उन्हां दे राह लई मार्गदर्शन करती आई है कौम का और 1925 एक्ट तो बाद तो सारे समुचे देश की एक नुमाइंदा संस्था है और जिहदी होंद हस्ती नूं जिहड़ा है वह ठेस नहीं लगनी चाहिए और इस वास्ते देखो ये गल्लां दो तीन हैगियां ने भी मसला इन्ना लाइटली नहीं लेना चाहिए जिन्ना कि आप सोचते हैं क्योंकि वो उतों की पाकिस्तान की कमेटी के सो कॉल्ड जो एक्स मैंबर्स ने वो जो विदेशों रेंदे सिखां भी जुड़े हुए हैं और विदेशों रेंदे सिख जड़े ने उन्होंने सोच विचार थोड़े डिफरेंट है लेकिन असं अपना यतन करांगे उन्होंने सारी गल समझाने की, उन्होंने भी जेकर उन्होंने जो भी कोई बाहरला सिख भी मिलेगा उन्होंने भी समझावे कि आह दस्तावेज ने अकाल तख्त साहब का हुक्मनामा है, अकाल तख्त साहब के हुक्म की पालना करनी हर सिख का फर्ज बनता है, नहीं एक कोई गलती करता तो सानू सारयां नूं नहीं करनी चाहिए और मैं इस वास्ते असी बड़े सत्कार नाल सर शाम सिंह उन्होंने सर बिशन सिंह उन्होंने सर मस्तान सिंह उन्होंने जिन्हें उन्होंने सबका प्रधान ने प्लस अकाफ बोर्ड है पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने गलबात करांगे, गलबात करके यतन करांगे कि साडा मसला हल हो जाए क्योंकि देखो
नहीं तो डुप्लीकेट ही बन रही है। हुण गुरु अर्जन देव महाराज का गुरपुरब जिहड़ा वो नवे कैलेंडर मुताबक एक जून का, पुराने मुताबक 16 जून का। हुण श्रोमणी कमेटी का जिहड़ा वफद है जिन्हें गुरपुरब सैलीब्रेशन करने संगतां ने दर्शन दुआरे लई जाना है, या तो वह देखो या तो एक तरीक के हिसाब न उन्होंने वीजे मिल गए, डुप्लीकेट ही होएगी, फिर वो उत्थे बाद वखरे जाएंगे। इस तरह जरा कौम के जरा दुविधा बनी हुई है, मैं तो उस दुविधा को दूर करने यतन कर चलिया। मैं कोई इस गल का ये नहीं कहता, कन्विंसिंगली नहीं कहता कि मसला इन्ना सौखा है भी जो मैं जल्दी हल कर लाँगा, लेकिन फिर भी असी ये बारे विचार चर्चा शुरू हो रही है जी, सरकारी सरकार के सदे से जा रहे हैं और वो असी देखा भी इस मसले का हल जरा असी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 दिन तो अज जावे, हम कल सी एम मीटिंग उन्होंने सी एम साहब मीटिंग है, उस तो बाद अकाब बोर्ड से कमेटी के मैंबर मीटिंग होगी 21 तारीख को वापस आ जाए। पंजाब की भाजपा अनिल जोशी समेत 2 मंत्रियों को हटाने और 2 अन्य के विभाग बदलने की तैयारी में है। जोशी के अलावा वन मंत्री चुनीलाल भगत को हटाने पर पार्टी में विचार चल रहा है। ऐसे में भाजपा विधायक दल का नेता भी बदल जाएगा, क्योंकि चुनीलाल भगत ही भाजपा विधायक दल के नेता हैं। कैबिनेट में भाजपा के 4 मंत्री हैं, चुनीलाल भगत को हटाया जाना तय माना जा रहा है। मदन मोहन मित्तल और सुरजीत जियानी के विभाग में बदलाव की चर्चा है। श्री हरिमंदर साहब में दर्शनी देवड़ी में स्थित ऐतिहासिक दरवाजों के बारे में उठ रही अफवाहों पर विराम चिन्ह लगाते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सकत्तर दिलमेख सिंह ने बताया है कि इन दरवाजों की कार सेवा श्री हरिमंदर साहब में ही चल रही है और ये दरवाजे आज भी श्री हरिमंदर साहब की परिक्रमा में है, इनको कहीं भी भेजा नहीं गया है। क्योंकि कुछ दिनों से जी अफवाह जोरों पर है कि इन दरवाजों को सोमनाथ मंदिर श्रोमणी कमेटी की ओर से भेजा गया है। ये बिल्कुल उस तरह ही वो दरवाजे ने तो उन्होंने भी सेवा करवाई जा रही है, तो उस तरह ही वह पे ने ना किसी को देने की गल है कि वो वापस दे देने जी फलाने कर देना जी, ये गल्लां जिहड़ियां बिल्कुल निर्मूल है। ये हाथी दंद की जिहड़ी थोड़ करके ओदी प्रॉब्लम हैगी है, ओदे करके कंप्लीशन जिहड़ी उन्हां दी नहीं हो रही। ये अदरवाइज मैं समझदा कि सानू लोकां नू घट्टो घट्ट इन्हां गल्लां ते इहो जिहा कुछ नहीं करना चाहिए। इन्नी धार्मिक थां ते जिथे आके असीं सारे सिर झुकाउने आ जिस सरदल ते उस दर्शन ड्यूटी दरवाजिआं ते उत्थे उहदे ते ही इहो जिहा कुछ आपां आपस च ही करी जाइए। मैनूं लगदी आ इह साडे लई आप साडे कद मुताबक ठीक नहीं है, सानूं होणा चाहीदा कि घट्टो घट्ट इह नहीं होणा चाहीदा। जे ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। दूसरे राज्यों से तस्करी कर लाए जा रहे करीब 0.5 किलोग्राम सोने को एक्साइज विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है। विभाग के अतिरिक्त कमिश्नर ने बताया है कि तस्कर पिछले लंबे समय से ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते आ रहे हैं, जिस पर विभाग ने मोबाइल विंग का गठन किया था जो कि लगातार इस तरह की बरामदी कर रही है। टीम की ओर से 0.5 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी जल्द ही कीमत आंकी जाएगी और इसके बाद 51% जुर्माना लगाने के बाद यह सोना वापस लौटा दिया जाएगा। देखो मोबाइल विंग एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन विंग साडा अमृतसर दा लीडिंग विद दीज ऑफिसर अजय कुमार, गुरजीत सिंह एंड मिस्टर चहल, इन्होंने लोगों की एक हमेशा एक साड़ी एक प्लैनिंग बनी होंगी है। असी गोल जो जिन्ना भी बाहर तो आता असं अपने तरीके स्ट्रैटजी बना के असी कितों भावें रेल तो आवे भावें बस रही आए असं अपने स्लैफर छड़े हुए थे अपना साडा जाल बनया हुए। कल रात तो सू एक इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कुछ गोल जोड़ा है ये बसों के राही आ गया,
मेरे ऑफिसर अजय कुमार अपनी टीम के नाल जदों उत्थे पहुंचे इन्हां ने एक प्राइवेट बस के विचों दो लोगों को पकड़िया। उस तो बाद एक होर बस जी असी जी प्लैन के हेठ सी वह भी उस वेले असी पकड़ ले उहदे विचों भी दो लोगों को पकड़ लिया। बड़ी हैरानी की गल है कि इन्हां लोगों ने यह जिहड़ा गोल्ड है ये लोग गोरखपुर तो आ रहे हैं, यूपी तो आ रहे हैं एंड सम गोरखपुर तो और दूसरा खुशीपुर तो आ रहे हैं और इन्होंने लोगों ने इसे स्थान के उत्ते गोल्ड छुपा के रखा हुआ सी जिथे आम आदमी को कभी पता नहीं लग सकता। ये वक्री गल है कि मेरी टीम इन्नी इंटैलीजेंट है, इन्नी खूबसूरती दे नाल इन्होंने प्लैनिंग की होंगी है भी है ये कितने भी गोल्ड लुका के लैके आन किसी भी रस्ते तो आन। मैं दावा कर दी कि ये लोग जोड़े जे साढ़े साढ़े पटे के उत्ते जो चढ़ गया असं जरूर उस केस में कामयाब करा करन दे विच साक्षात होंगे हैं। और ये गोल्ड जोड़ा पकड़िया गया 30-40 किलो तो ज़्यादा है, ये हमने जी है सरकारी वैल्यू साढ़े हमने पूजी साहब पहुँच रहे हैं, वो वैल्यू मीडिया ने सारा इन पारदर्शी तरीके स्नैप कर लिया। इस तो बाद साड़ी मेरी टीम के नाल जे मिस्टर पूजी जैसे जे इतने सरकारी वैल्यू ने उन्होंने सामने की वैल्यू की जाए। ये चार लोग मेरे सामने बैठे ने जिन्हों का गोल्ड है इस उस वेले पकड़द्या सारे सील किया गया से सील करके इन के सामने हमने थोड़े मीडिया के सामने खोलिया गया और इस तो बाद सरकारी वैल्यू के सामने पूरी टीम के नाल मेरी नफरी की हाजरी के लोगों की वैल्यू बनाई जाएगी और ये 51.1% इनकलूड टैक्स जी टैक्स एंड पेनल्टी कराई जाएगी। हैरानी की गल बड़ी यह होंगी है कि जिमें साडे माणयोग ETC साहब और साडी सरकार वालों माणयोग CM साहब वालों बहुत खूबसूरत पॉलिसियां बनाई गई कि सोने के उत्ते सिर्फ 1.1% टैक्स है ऑर्नामेंट हो जा पटूर हो, पर इसके बावजूद भी ये जे दूसरिया स्टेट तो साढ़े पंजाब इस तरह के नाल लगातार सोना चांदी ते डायमंड्स आ रहे ने, इस गल नूं रोकण लई मेरी टीम हमेशा रात दिन तत्पर हाजिर रहिंदी है। सचखंड श्री हरिमंदर साहब में गुरु घर का आशीर्वाद लेने के लिए आए संगरूर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भगवंत मान अपनी रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद कल शाम को अपने परिवार समेत सचखंड श्री हरिमंदर साहब के दर्शन कर नतमस्तक होकर माथा टेक कर गुरु घर का आशीर्वाद लिया और इस मौके पर भगवंत मान ने कहा, देखिए यहाँ से आशीर्वाद लेके हम जाएंगे जो जंग लड़ रहे हैं आज़ादी की दूसरी, उसमें परमात्मा हमारा साथ दे, हमें इतनी सुमत हमें इतनी शक्ति बख्शे कि हम गलत को गलत कहें ठीक को ठीक कहने की हिम्मत हमारे में आ जाए। यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं पूरी प्रवासी लोगों की जीत है, मेरी जीत नहीं, मेरा तो नाम है, नाम लग गया मेरा तो, लोगों की जीत है, लोगों ने गुस्सा निकाला है इन दोनों पार्टियों के खिलाफ, तो इसका मतलब ये भी होगा कि पंजाब ने मोदी की लहर को भी बिल्कुल जारी रहेगी। पंजाब ने पहले भी आज़ादी की जंग, पहली आज़ादी की जो जंग थी उसमें भी पंजाब ने लीड किया था, इस बार भी पंजाब वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। सुन प्रभु मेरे, हे विनंती सुन प्रभु मेरे, दे नाम कर अपने तेरे, हे विनंती सुन प्रभु मेरे, सुन प्रभु मेरे, दे नाम कर अपने चेहरे, ए विनंती सुन प्रभु मेरे, ए विनंती सुन प्रभु दर्शन दे
आप सबको बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुत ही सत्कार जोग सरदार कुलबीर सिंह मत्तेवाल, साबका चेयरमैन मार्केट कमेटी अमृतसर, हमें सदीवी विछोड़ा दे गए हैं। उनका संस्कार शमशानगढ़ नजदीक गुरुद्वारा शहीदा साहब चाटीविंड गेट अमृतसर में आज शाम 5:30 बजे हुआ। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। लुधियाना के नवनिर्वाचित सांसद रवनीत सिंह बिट्टू हुए सचखंड श्री हरमंदर साहब में नतमस्तक। नानक शाही कैलेंडर संबंधी विवाद का समाधान करने एसजीपीसी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ हुए पाकिस्तान के लिए रवाना। सचखंड श्री हरमंदर साहब नतमस्तक हुए भगवंत मान। एक्साइज विभाग ने बरामद किया 0.5 किलोग्राम सोना। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।